टेक पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन्फिनिक्स ने अपनी एक और 32 इंच स्मार्ट एंड्रॉयड एलईडी टीवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये वाली जो एलईडी टीवी है वाई सीरीज की, इनकी फर्स्ट एलईडी टीवी होने वाली है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा इन्फिनिक्स ने एक्स सीरीज की X1 और X3 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि अलग अलग साइजेस से आती थी। एक 32 इंच जिसकी प्राइस लगभग 14,000 रुपये के आसपास थी, जो 43 इंच वाली एलईडी टीवी थी उसकी प्राइस लगभग 16,000 या 17,000 रुपये के आसपास थी। अब ये जो वाई सीरीज की Y1 एलईडी टीवी को लॉन्च किया है, इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रखी गई है। इसकी प्राइस अंडर 10,000 रुपीज़ की है, लगभग इसकी प्राइस है 8,999 रुपये। और इसके साथ ही साथ और भी इसका बेनिफिट्स में मिल जाएगा, जब इसकी सेल वगैरह फ्लिपकार्ट पे चलेगी तो किसी SBI कार्ड के थ्रू या फिर जो भी कार्ड्स पे ऑफर मिल रहा होगा 10% का, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके बाद इसकी प्राइस लगभग 8,099 रुपये हो जाएगी। जैसा कि इसकी जो फर्स्ट सेल है वो 18 जुलाई को होने वाली है और फ्लिपकार्ट पे अभी इलेक्ट्रॉनिक सेल भी चल रही है। तो अगर आप लोग इसकी फर्स्ट सेल में इसको परचेज करते हैं तो ये वाली एलईडी टीवी आपको 8,099 रुपये में मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बेस्ट डील होगी, क्योंकि इस प्राइस में कोई भी स्मार्ट टीवी आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में डिटेल्स में बात करते हैं इसी एलईडी टीवी के बारे में, बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में कि पहले जो एलईडी टीवी लॉन्च हुई थी X1 X3 उससे कितना ज़्यादा डिफरेंट है और क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिलते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों डिटेल्स में बात करते हैं इसी इन्फिनिक्स Y1 HD स्मार्ट LED टीवी के बारे में। इसमें आपको 60Hz रिफ्रेश रेट वाली एक डिस्प्ले मिल जाती है। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। HLG का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल मिल जाएगा। बेजलिस डिज़ाइन के साथ आती है और जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। हाई कॉन्ट्रेस्ट के साथ आती है, ब्राइटनेस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। मतलब ओवरऑल जिस प्राइस रेंज पे वाली एलईडी टीवी लॉन्च हुई है उसके अकॉर्डिंग इसकी पिक्चर क्वालिटी से आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये वाली एलईडी टीवी क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आती है और इसमें आपको 4GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाता है। साउंड क्वालिटी अगर बात करें तो इसमें आपको 20W के डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं विद सराउंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो साउंड क्वालिटी वगैरह रहेगी वो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है तो साउंड क्वालिटी से भी आपको कोई भी शिकायत इसमें देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ इसमें एक और फीचर्स आपको मिल जाता है, वो है मीराकास्ट बोले या फिर क्रोमकास्ट इसको बोल सकते हैं। मतलब जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या फिर टैबलेट है, उसको आप अपने इस वाली एलईडी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कहें कि मोबाइल में जो भी आप देख सकते हैं उसको स्क्रीन कास्ट करके अपनी टीवी पर भी उसको देख सकते हैं। तो ये वाला फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये वाली एलईडी टीवी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। जो OTT प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन है सभी को एलईडी टीवी सपोर्ट करती है, बस नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार पर कोई भी चीज़ देखने का शौकीन है तो वो आप इसमें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये वाली एलईडी टीवी सपोर्ट नहीं करती है। उसके अलावा जो भी प्राइम वीडियो होता है, यूट्यूब, G5, आज तक या जो भी सोनी लाइव वगैरह, इन सबको ये वाली एलईडी टीवी सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है, 2 USB पोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है, 3.5 ऑडियो जैक का भी सपोर्ट इसमें मिल जाता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं स्मार्ट टीवी का नाम सुनते ही उनको यही लगता है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन है वो सभी को एलईडी टीवी सपोर्ट करती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार को ए वाली एलईडी टीवी सपोर्ट नहीं करती है। तो ये वाली एलईडी टीवी उनके लिए ज़्यादा खास होती है जिनको एक स्मार्ट टीवी चाहिए और उनका बजट कम है, मतलब 8,000 या 9,000 रुपये के आसपास है। क्योंकि उन बहुत से ऐसे लोग जिनको ब्लूटूथ भी चाहिए होता है टीवी में, वाईफाई भी चाहिए होता है, तो उनके लिए ये वाली एलईडी टीवी बेस्ट साबित हो सकती है। और बाकी आप लोग जैसे सारे OTT प्लेटफॉर्म के शौकीन हो या फिर नेटफ्लिक्स के शौकीन हो तो ये वाली एलईडी टीवी आपके लिए सही नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें ये तो सपोर्ट नहीं करता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वाली एलईडी टीवी कैसी लगी, या इससे रिलेटेड कोई आपके मन में क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।